SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहे दलित समाज के प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना में दो युवकों की मौत हो गई। हिंसक प्रदर्शनों के चलते ग्वालियर, मुरैना, भींड के महगांव और गोहत में हिंसक प्रदर्शन के बाद कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपातकालीन बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया है। भारत बंद के दौरान हिंसक प्रदर्शनों के बाद ग्वालियर में पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी है। शहर के अशांत इलाकों मुरार, गोले का मंदिर, थाटीपुर में पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया है। मुरैना में प्रदर्शनकारियों ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को कई घंटों तक रोक के रखा। लोगों को काबू में रखने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में ढील दिए जाने से नाराज दलितों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। बंद के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा और आगजनी की खबरें आ रही है। राजस्थान में जयपुर, बाड़मेर, अजमेर में लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया। बिहार में आज सुबह से ही जगह जगह रेल रोककर दलित संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और आगरा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। यहां पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा। कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे दलित संगठनों की मांग है कि SC/ST एक्ट के सख्त प्रावधानों को बरकरार रखा जाए, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच का प्रावधान भी शामिल है।